रेसलमेनिया के अंदर जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का मैच यूएस चैंपियनशिप के लिए होना है, लेकिन सबके दिल में एक ही सवाल, इस मैच का विनर कौन होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हैं फिनोमिनल आरजे रेसल चैनल। मंडे नाइट रॉ के अंदर जॉन सीना आते हैं, उसके बाद आते हैं ऑस्टिन थ्योरी और इनका मैच हो चुका है रेसलमेनिया 39 के लिए यूएस चैंपियनशिप के लिए ऑफिशियल। लेकिन इस मैच के अंदर कौन जीतेगा? क्या WWE पास द टॉर्च वाली सिचुएशन कर सकती है, या फिर जॉन सीना को हर टाइम क्या WWE हरवाना ही चाहेंगे रेसलरों के साथ? मुझे लगता है कि रेसलमेनिया के अंदर पास द टॉर्च की सिचुएशन हो सकती है। ऑस्टिन थ्योरी हरा देंगे जॉन सीना को और वो ओवर पुश हो जाएंगे ऑडियंस के अंदर, या फिर ऑडियंस उनको भड़केंगे, या फिर जॉन सीना सिंपल से ऑस्टिन थ्योरी को एटीट्यूड और जजमेंट लगा देंगे और वो बन जाएंगे न्यू US चैंपियन इन WWE। होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मैच काफ़ी धमाकेदार तरीके से बुक होने वाला है। पास्ट वर्सेस फ्यूचर का ये मैच होने वाला है, यानी कि ऑस्टिन थ्योरी है फ्यूचर और जॉन सीना है पास्ट। तो क्या जॉन सीना हमेशा WWE में हारने के लिए आने वाले हैं? तो मुझे कहीं से लेकर कहीं तक भी नहीं लगता। इस बार जॉन सीना परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ ऑस्टिन थ्योरी को एटीट्यूड और जजमेंट लगाएंगे 1-2-3 और वो बन जाएंगे WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। अगर आप भी हो जॉन सीना और ऑस्टिन थ्योरी के फैन, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।